दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप्स जो कि अभी 50,000 रुपीज के प्राइस रेंज के अंदर जिसमें आपको पावरफुल लैपटॉप्स मिल जाते हैं। जो भी लैपटॉप्स हमने इस लिस्ट में शामिल किए उनमें आपको 6 कोर 12 थ्रेड्स का हाई परफॉर्मिंग प्रोसेसर, 512 GB की SSD, 8 GB रैम, प्री इंस्टॉल विंडोज एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लाइसेंस वर्जन, डिसेंट बैटरी बैकअप और सभी लेटेस्ट फीचर्स मिल जाते हैं। इनमें आपको i5 11th जनरेशन और Ryzen 5 5th जनरेशन जैसे प्रोसेसर मिलते हैं। दोस्तों इन सभी लैपटॉप्स में आप वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, बेसिक एप्लीकेशन डेवलपिंग और ऑफिस वर्क जैसे काम आसानी से कर सकते हैं। उसी के साथ इनमें आपको पावरफुल इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिल जाते हैं, उनसे आप थोड़ी बहुत ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह कर सकते हैं। अगर इस प्राइस में आप एक बेस्ट लैपटॉप लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे इन सभी लैपटॉप्स की डिटेल, स्पेसिफिकेशन, फीचर्स और जानेंगे इनमें से कौन सा लैपटॉप किस प्राइस में लेना सही रहेगा। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। तो नंबर 5 पर आता है रेडमी बुक प्रो। स्मार्टफोन्स की तरह रेडमी के लैपटॉप भी शानदार क्वालिटी के आते हैं। दोस्तों इस लिस्ट में सबसे स्टाइलिश लुक्स और प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी आपको इसमें देखने मिलती है। यह आता है स्लिम डिजाइन के साथ और इसका वेट सिर्फ 1.8 kg है। यह आता है 15.6 inches की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले के साथ जिसमें 1920x1080 का पिक्सल रेजोल्यूशन मिलता है। इसमें आता है इंटेल i5 11th जनरेशन प्रोसेसर जिसमें इंटेल आयरिस XE इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिल जाते हैं। यह प्रोसेसर 4 कोर और 8 थ्रेड्स के साथ आता है। इसमें 32,000 मेगाहर्ट्ज 8 GB DDR4 रैम मिलती है और यह 512 GB NVMe M.2 SSD के साथ आता है। इसमें विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 का लाइसेंस वर्जन प्री इंस्टॉल मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें आता है डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, HDMI पोर्ट, RJ45 पोर्ट, 2 USB 3.0 पोर्ट और 1 USB 2.0 पोर्ट और उसी के साथ 1 SD कार्ड स्लॉट मिलता है। इसमें HD वेबकैम मिलता है और डुअल स्टेरियो स्पीकर के साथ DTS सराउंड साउंड भी मिलता है। यह है 4 सेल लिथियम आयन बैटरी के साथ जिसमें 4 आवर्स की बैटरी बैकअप मिल जाती है। यह है 49,000 के प्राइस के साथ। प्राइस के हिसाब से इसमें डिसेंट स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं। इसमें आपके सारे काम बिना किसी इशू के आराम से हो जाते हैं। इस वजह से Redmi Book Pro इन स्पेसिफिकेशन के साथ हमारे लिस्ट में नंबर 5 पर आता है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। तो नंबर 4 पर आता है Acer Aspire 3। ये भी i5 11th जनरेशन के साथ आता है पर इसमें पिछले वाले से अच्छे ग्राफिक्स मिल जाते हैं। ये भी स्लिम और स्टाइलिश डिजाइन के साथ आता है। इसमें 15.6 इंचेस की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलती है जिसमें 1920x1080 का पिक्सल रेजोल्यूशन मिलता है। यह था इंटेल i5 11th जनरेशन प्रोसेसर के साथ और इसमें इंटेल आयरिस XE मैक्स इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिल जाते हैं जिससे आप ग्राफिक इंटेंसिव काम और थोड़े बहुत गेमिंग भी कर सकते हैं। इसमें 8 GB की DDR4 रैम मिलती है और 512 GB की NVMe M.2 SSD मिलती है। इसमें लेटेस्ट विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2020 के लाइसेंस वर्जन मिल जाते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, RJ45 पोर्ट, 2 USB 3.2 पोर्ट और 1 2.0 पोर्ट और HDMI पोर्ट के साथ आता है। इसमें HD वेबकैम और स्टेरियो स्पीकर्स मिलते हैं। यह है 2 सेल लिथियम आयन बैटरी के साथ जिसमें 8 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलता है। इसमें शानदार बैटरी लाइफ मिलती है। यह 50,000 की प्राइस के साथ। प्राइस के हिसाब से ये जिस प्रोसेसर और स्पेसिफिकेशन के साथ आता है उस हिसाब से ये अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है। इसमें आप थोड़ी बहुत हाई क्वालिटी वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं। इस वजह से Acer Aspire 3 इन स्पेसिफिकेशन के साथ हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर आता है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ। तो नंबर 3 पर आता है Asus VivoBook 14। दोस्तों ये Asus का बेस्ट सेलिंग मॉडल है जिसमें आपको HDD और SSD दोनों मिलते हैं। यह आता है लाइट वेट और कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ। इसका वेट सिर्फ 1.6 kg है जो कैरी करने के लिए ज्यादा कंफर्टेबल है। यह आता है 14 इंचेस की फुल HD IPS LCD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले के साथ जिसमें 1920x1080 का पिक्सल रेजोल्यूशन मिलता है। यह भी आता है इंटेल i5 11th जनरेशन प्रोसेसर के साथ और इसमें इंटेल आयरिस XE मैक्स इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिल जाते हैं। इसमें 3200 मेगाहर्ट्ज की DDR4 रैम मिलती है और 1 TB HDD और 256 GB NVMe M.2 SSD मिलती है। इसमें लेटेस्ट विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 के लाइसेंस वर्जन प्री इंस्टॉल मिल जाते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, HDMI पोर्ट, 2 USB 3.0 पोर्ट और 1 USB 2.0 पोर्ट मिलता है। इसमें HD वेबकैम के साथ डुअल स्टेरियो स्पीकर्स मिलते हैं। यह था 2 सेल लिथियम आयन बैटरी के साथ और इसमें 6 आवर का बैटरी बैकअप मिलता है। यह था 51,000 के प्राइस के साथ जो कार्ड ऑफर के साथ 50,000 के अंदर मिल जाता है। इसकी प्राइस थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट होती रहती है। इस प्राइस में इसमें आपको HDD और SSD का कॉम्बिनेशन मिलता है। अगर आप वीडियो एडिटिंग जैसा काम ज्यादा करते हैं तो इसके साथ जा सकते हैं क्योंकि इसमें आपको ज्यादा स्टोरेज देखने मिलता है और उसी के साथ बाकी काम भी आसानी से हो जाते हैं। इसलिए Asus VivoBook 14 इन स्पेसिफिकेशन के साथ हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर आता है। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलते हैं इस लिस्ट के नंबर 2 की तरफ। तो नंबर 2 पर आता है Lenovo IdeaPad 3। दोस्तों नंबर 2 और नंबर 1 के दोनों लैपटॉप Ryzen 5 5th जनरेशन प्रोसेसर के साथ आते हैं जिसमें आपको 6 कोर्स और 12 थ्रेड्स मिलते हैं, यानी इनमें आपको ज्यादा प्रोसेसिंग पावर मिलती है। इसमें ज्यादा कोर्स और थ्रेड्स होने की वजह से और Vega 7 के इंटीग्रेटेड ग्राफिक की वजह से इसमें आप 4K एडिटिंग भी आसानी से कर सकते हैं। या तो स्लिम और लाइट वेट डिजाइन के साथ इसका वेट सिर्फ 1.65 kg है। इस लिस्ट का यही लैपटॉप है जिसमें आपको बैकलाइट कीबोर्ड मिलता है। या तो 15.6 इंचेस की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले के साथ इसमें 1920x1080 का पिक्सल रेजोल्यूशन मिलता है। या तो Ryzen 5 5500U इस पावरफुल प्रोसेसर के साथ जिसमें Vega 7 के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिल जाते हैं। इसमें 8 GB DDR4 रैम मिलती है और 512 GB की SATA SSD मिलती है। इसमें आप 12 GB तक रैम एक्सपेंड कर सकते हैं। या तो लेटेस्ट विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 के लाइसेंस वर्जन के साथ। कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, HDMI पोर्ट, 2 USB 3.0 पोर्ट और 1 USB 2.0 पोर्ट मिलता है। इसमें HD वेबकैम और 1
1.5 वॉट के डुअल स्टीरियो स्पीकर्स डॉल्बी एटमॉस के साथ आते हैं। यह था 3 सेल लिथियम आयन बैटरी के साथ जिसमें 7 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलता है। यह था 48,000 रुपीज के प्राइस के साथ। इस प्राइस में इसमें आपको बेस्ट प्रोसेसिंग पावर मिलती है जिसमें आप थोड़े बहुत हेवी टास्क भी आसानी से कर सकते हैं। इस वजह से लिनोवो आइडियापैड 3 इन स्पेसिफिकेशन के साथ हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर आता है। अब चलते हैं नंबर 1 की तरफ। तो नंबर 1 पर आता है लेटेस्ट एचपी 15S। दोस्तों ये इस लिस्ट का सबसे बेस्ट ऑलराउंडर लैपटॉप है और सबसे कम प्राइस में आता है। अगर आपका बजट 50,000 के अंदर है तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप है। आप इसे बिना किसी इश्यू के खरीद सकते हैं। इसमें सभी फीचर्स बेस्ट क्वालिटी मिलते हैं। यह तो स्लिम और प्रीमियम डिजाइन के साथ। इसका वेट सिर्फ 1.69 kg है। यह तो 15.6 इंच की फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले के साथ जिसमें 1920x1080 का पिक्सल रेजोल्यूशन मिलता है। ये भी आता है राइजन 5 5500U इस पावरफुल प्रोसेसर के साथ जिसमें वेगा 7 के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलते हैं। इसमें 3200 MHz DDR4 8GB रैम मिलती है और 512GB की NVMe M.2 SSD के साथ आता है। इसमें लेटेस्ट विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 के लाइसेंस वर्जन प्री इंस्टॉल मिलते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें आता है डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, एक USB टाइप सी पोर्ट, HDMI पोर्ट और 3 USB 3.0 पोर्ट मिलते हैं। इसमें इंटीग्रेटेड एलेक्सा का सपोर्ट भी मिलता है। यह डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ और इसमें HD वेबकैम भी मिलता है। यह 47,000 के प्राइस के साथ जो इस प्राइस में सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप साबित होता है। इसका 14 इंच का वेरिएंट भी सेम स्पेसिफिकेशन और सेम प्राइस के साथ आता है। अगर आपको और भी कॉम्पैक्ट लैपटॉप चाहिए तो आप उसके साथ जा सकते हैं। इन दोनों की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप्स जो कि थे 50,000 रुपीज की प्राइस रेंज के अंदर। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।